करण जौहर की हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। उनकी नई पेशकश कुर्बान का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। ये फिल्म इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि यह फिल्म टेररिज्म को पर्दे पर दर्शाने का प्रयास करती है। कितनी अलग है कुर्बान अन्य फिल्मों से, चलिए सैफ अली खान और करीना कपूर से जानते हैं। बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन आवर शो। थैंक यू। कुर्बान से बेशुमार उम्मीदें जुड़ी हैं, आपको लगता है ये फिल्म उन उम्मीदों पे खरी उतरी? जी जरूर, मुझे लगता है। ये कहानी करण जौहर के दिमाग में काफी वक्त से है और एक बहुत अच्छी कहानी है। एक लव स्टोरी है लेकिन एक आम लव स्टोरी नहीं है, जैसे पोस्टर्स पे आपने देखा होगा लिखा है कि सम लव स्टोरीज हैव ब्लड ऑन देम। तो इसका कहने का मतलब मेरे ख्याल से है कि एक इंटेंस लव स्टोरी है जो अनएक्सपेक्टेड है। राइट, आप कहें? मुझे लगता है कि कुर्बान एक बहुत ही एजी ग्रिपी ग्रिटिंग टेल है। इट्स अ लव स्टोरी ऑफ लॉट ऑफ इंटेंस इमोशंस, बिट्रेयल। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। ऑफ कोर्स ग्लोबल टेररिज्म भी है बैकड्रॉप में ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दैट बहुत ही अलग किस्म से शूट किया गया है, बहुत अलग किस्म से ट्रीट किया गया है। इट्स नॉट लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म, बट आई थिंक ऑडियंसेस आर रेडी फॉर दैट। यस, आई कंप्लीटली एग्री। और जो फिल्म का जो पहला पोस्टर था, जो लुक था, उसी से अंदाजा हो जाता था कि ये फिल्म एक कहानी होगी, सिर्फ नॉर्मल मसाला फिल्म नहीं होगी बल्कि एक बियॉन्ड भी कुछ होगा। मसाला है, जैसे कि अगर आप एक लव स्टोरी, लव स्टोरी इज ओनली इंटरेस्टिंग जब आप उसे टेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप को टेस्ट करते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में या आमतौर पर अगर एक लड़का लड़की का लव स्टोरी होता है तो किसी का बाप राजी ना हो या फैमिली मेंबर्स राजी ना हो तो दैट्स एन ऑब्स्टिकल टू द लव स्टोरी। इस लव स्टोरी की ऑब्स्टिकल्स हैं लेकिन इसकी ऑब्स्टिकल्स काफी सीरियस, वेदर इट्स फनेटिक टेररिज्म, whether it's like a plot, whether it's, you know, it's a very exciting obstacle, but eventually it's an obstacle to a love story. Yeah. And whether or not the love story survives and how it survives is Kurban. Right. Or wo jo poster tha, jo pehla look tha film ka, which is brilliant, wo aap hi ne design kiya tha ya aapne suggest kiya? Nahi, aise hum log shooting kar rahe the aur ek romantic scene chal raha tha. Right. Aur us point pe mujhe laga ki this could be the poster of the film, and I think I shared that with Renzel and Karina. I think everybody felt that. Wow. At the time. Okay, आपकी पिछली फिल्म लव आजकल बहुत बड़ी हिट हुई थी और इस फिल्म से भी वही उम्मीद की जाएगी कि उतनी ही कामयाब हो। हालांकि कंपैरिजन बेबुनियाद है क्योंकि दोनों अलग अलग फिल्में हैं, पर फिर भी आपको नहीं लगता आपकी आपकी नई फिल्म को आपकी पिछली फिल्म के साथ कंपेयर किया जाए? अब मुझे लगता है कि कोई फिल्म किसी भी फिल्म से कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजंस तो होती हैं लेकिन जैसे आपने कहा हर जॉनर अलग होता है। आजकल तो लोग I keep hearing these words like youth and entertainment and live your brains home and people going ballistic all the time, but I'm proud to say that, and I think we should be confident to say that Kurban is a serious film. It's not something you can giggle your way through with popcorn. It's an, it gives you things to think about, and I'm happy that India, the Indian film industry, makes different types of films, and Kurban is one of those films jo ek kafi serious kahani hai. एक बहुत ग्रिपिंग कहानी है। आप I won't lie to you, you're on the edge of your seat, like many times. I think about six, seven times there are times when you're like, oh my god, and last ke 20 minutes jo hai, I think is, and particularly towards the climax and stuff, I mean it's, so when I say it's serious, I don't mean it's dull, obviously. It's to me it's very exciting and entertaining. But kahin na kahin, aaj ki, aajkal agar hindi filmon ko dekhe to comedy ya love stories pe hamara jhukav hamesha raha hai. Jo pata nahi serious film mein kyun nahi banate. I don't know, and I think until somebody does, we always ask that question, and trends go a certain way until you break a trend, and then they go another way, and then somebody makes an action film, and then somebody makes a love story, and these are different genres. Aisi baat nahi hai ki hum akele hain duniya mein, dusri bhi industries hain, Hong Kong ki film industry hai, Hollywood ki film industry hai, aur all types of genres are appreciated by people because human beings have different emotions and films must tap into different emotions. Is it, and I think it's sad, maybe it's because we call ourselves Bollywood, that we tend to only want to make light-hearted and slightly shallow movies. I think the minute we drop that tag and stop saying Bollywood, that sounds like Hollywood, and say that we're the Indian film industry and we have a range of emotions that is quite wide and a different range of emotions perhaps to the West, and cater to that, it'll be a step forward as a film industry, I think. बहुत सही कहा आपने। यू नो करीना, जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस को
नई फिल्म में पिछली फिल्म के साथ कंपेयर किया जाएगा, ठीक उसी तरह मैंने सुना इस फिल्म में आपका उतना ही इतनी ही अहमियत आपका आपको दी गई, आपके रोल को, आपका रोल उतना ही पावरफुल है आपकी पिछली फिल्म परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो, जब वी मेट, जो बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस थी, उस फिल्म के साथ आपकी इस फिल्म को कंपेयर किया जाएगा, आपको लगता है? मुझे लगता है कि गीत का जो कैरेक्टर था जब वी मेट में वाज शी वाज वाइवेशियस, शी वाज बबली, शी वाज लाइक वो आई डोंट नो, वो पिक्चर की जान थी जब वी मेट. व्हेन यू टॉक अबाउट जब वी मेट यू थिंक ऑफ गीत के जो लाइंस थे कि मैं बठिंडा की सिखनी हूँ एंड ऐसे वैसे, बट जो अवंतिका का कैरेक्टर है उसमें बहुत ठहराव है, इट्स टोटली डिफरेंट. तो मुझे लगता है कि एज एन एक्ट्रेस मुझे तो रेंज मिला गया है टू एक्चुअली शोकेस टू डिफरेंट, टोटली डिफरेंट जॉनर्स, टोटली डिफरेंट रोल्स ऑल टुगेदर. तो मुझे एक्चुअली मौका दिया गया है करण जौहर ने और रेंजिल ने, जो इतना डीप रोल दिया मुझे. और जब आप कंपेयर करती हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस को खुद देखती हैं जब वी मेट में भी और कुर्बान में भी, आपको क्या महसूस होता है? You grown as an actress? I think कोशिश तो ये है कि हर फिल्म में वी ग्रो, बट मुझे तो कुर्बान की परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल. आप क्या कहेंगे? Yeah, actually you should have asked me. And you should ask her about me, because you ask an actor, because we are also humble people. तो अपने आप की तारीफ करना बहुत मुश्किल है. They tend to say no, no, I'm okay, I'm not bad. And like, आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में? If I answer the question, I've seen, I mean, Jabbi Met is a very special kind of girl. Right. And a girl who expresses very clearly what she feels and is very pure and everything. And, a very entertaining character. Whereas I think the character of Avantika is also like, while being very feminine, a strong and forward-thinking woman, quite a feminist character, but at the same time being extremely feminine, which I think is interesting. She's a career girl, yet you know she's a wonderful wife, and she has honor and integrity aside. I think the performance is interesting to me because it's a thriller and an intense love story, and a lot of the time the actor has to carry and have a deep understanding of suspense to portray that kind of role, and there's an inherent intensity. I'm excited because we're going to do a film again called Agent Vinod, and there's an inherent in ki aankhon mein, unki performance mein ek inherent intensity hoti hai. Wo kafi experience, ek matlab ek young age mein, और दर्द अपनी आंखों में एक सीन में लाती हैं, जो एक सिंपल सीन को बहुत डेप्थ देता है, विच इज एन अनबिलीवेबल एसेट फॉर एन एक्टर, इट्स अ सुपरस्टार्स एसेट. तो अगर उनको मतलब देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है, या डर के इफ शी हैज टू बैक ऑफ फ्रॉम अ डोर, जैसे कुर्बान इज ऑल्सो थ्रिलर, इट्स नॉट जस्ट लाइक अ नॉर्मल लव स्टोरी, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट परफॉर्मेंस, इज अ लॉट ऑफ इंटेंसिटी, विच इज अ डिफरेंट रेंज to Jab We Met, which is also intense perhaps in places, but more bubbly and effervescent and a charming, entertaining role. Right. You know, so in that sense, it's a huge departure, and it shows the caliber or range dikhati hain apni. Aur aap kya kahenge inke bare mein, inki performance ke bare mein? Mujhe to ehsaan, jo Qurbaan ka ehsaan hai, that is his name in the film, I think Saif has outdone himself in this film, मुझे लगता है, because Saif is after long time एक hard hitting gritty kind of role किया है. You know, पहले एक हसीना थी में किया था, ओमकारा में किया था, पर एहसान इन कुर्बान is, it's जब Saif का close up आता है screen पे, I think he just, it's like ये role कोई और नहीं कर सकता. जब आप इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, आप तब आप लव आजकल के लिए भी शूट कर रहे थे? जी नहीं, never. नहीं, थोड़ा आपको simultaneously shooting चल रही थी? I don't think so. I have a clear goatee in. नहीं, but एक portion जो वो shooting वीर सिंह का shoot चल रहा था उसमें, तो there was constantly Ren was worried about कि is there a beard because you have to shave, not shave. वो था. Okay, चलिए. आप कर रहे थे या थोड़ा बहुत आपने किया होगा? और आप उस वक्त कंबक्तिश और मैं और मिसेस खन्ना की shooting कर रही थी. Now ये film उन फिल्मों से बिल्कुल अलग है जो आप भी कर रहे थे, लव आजकल या कंबक्तिश. इस सेट से इस सेट पे आना या इस सेट से दूसरे सेट पे जाना, क्या ये एक्टर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है जब फिल्में भी अलग हो और रोल्स भी अलग हो? आई थिंक फॉर मी, मैं अपनी स्पॉन्टेनिटी पे रिलाई करती हूँ हर परफॉर्मेंस में, हर फिल्म में. कंबक्तिश तो जो था वो बहुत ही अलग रोल था, इट वॉज मोर अबाउट स्टाइल, लुक्स. कंबक्तिश इज अ हिंदी पॉट बॉयलर,
तो आई मीन आई डिडंट रियली हैव टू गेट इनटू इट कि यू नो क्या परफॉर्मेंस है क्या नहीं, बट ऑफ कोर्स लुकिंग गुड इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन अ फिल्म एंड दैट इज व्हाट कम्बख्त इश्क रिक्वायर्ड. बट कुर्बान में जो रोल है आई थिंक I just gave my heart and soul in it and I hope it comes across on screen. Right, but जमाना था जब छह शिफ्ट करते थे तो मुझे यकीन नहीं होता था जैसे कि लोग अलग कैरेक्टर्स कैसे करते थे. लेकिन यहाँ पे we had gaps. I mean, we were shooting for Love Aajkal, which was clear, and then they were 2 days off, and then perhaps there was a time when I was shooting Kurban. तो काफी वक्त था बीच में. Okay, you know, आप दोनों फिल्मों के मामले में बेहद choosy हैं. तो ऐसी क्या बात थी जो आपने इस फिल्म को हाँ कहा? एक साथ काम करने का मौका था इसलिए, करण जौहर की प्रोडक्शन थी इसलिए, या रेंसिल डी सिल्वा की कहानी थी इसलिए, या ये तीनों कारण? I think it was मेरे ख्याल से तीनों कारण, लेकिन personally नहीं कि मैं करण के साथ काम करना चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं. हाँ जी. और अगर I'm really very I mean, it sounds so strange for me to say this, लेकिन पहली बार जब मैंने पिक्चर देखी तो मैं सिर्फ अपने आप को देख रहा था क्योंकि एज एन एक्टर हम देखने की ये आई डिड दैट रॉन्ग आई डिड दैट राइट व्हाटएवर. लेकिन दूसरी बार मैंने करीना को देखा एंड आई थिंक इट्स अ रियली मैच्योर एंड अ वेरी वेरी स्ट्रांग परफॉर्मेंस. यू नो आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई थिंक इट्स ग्रेट एंड आई एम सो हैप्पी एज अ एक्टर कि हमें काम करने का मौका मिला साथ में, क्योंकि पहले तो हमने LOC में काम किया और टशन में शी वाज ऑपोजिट अक्षय. तो पहली बार ऐसे अलग रोल में मिलने का काम करने का मौका मिला, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग. करण जौहर की प्रोडक्शन है which is, you know, promises great cinema. और रेंजिल एक नए डायरेक्टर हैं जो अपनी आर्ट फिल्म्स की सेंसिबिलिटी और एक इंटरनेशनल सिनेमा को समझते हुए और हिंदी सिनेमा को समझते हुए उन्होंने एक थोड़ी अलग टाइप की फिल्म बनाई है. आप क्या कहेंगी? जो अवंतिका का कैरेक्टर था आई थिंक दैट इज वॉट ड्रू मी टू दिस फिल्म. और रेंजिल के साथ काम करने का मन था क्योंकि रेंजिल हैज अ फ्रेश टेक ऑन एवरीथिंग. He's new, he's edgy, और मुझे I wanted to work with someone like that. And of course, Karan Johar जो है is like family to me. Karan ने हमेशा मुझे अपने करियर में जब भी काम किया he's always given me one of the best roles. चाहे वो कभी खुशी कभी गम का पू हो या अवंतिका इन कुर्बान और the title role in Step Mom. I think वो हमेशा मुझे एक he's given me some great roles, so obviously Kurban ko main mana nahi kar payi and I'm really happy I did it. Flashback mein jaate Karan Johar aapko phone karte hain, kehte ke wo aapke sath film banana chahte hain. Aapko bilkul pata nahi hai ki wo kya banana chahte hain. I presume aapke dimag mein shayad ye impression ho ki wo ek kabhi khushi kabhi gham kal ho na ho is tarah ki film hai, larger than life. Ye bhi larger than life hai but us tarah ki film hai jahan एक भरपूर मनोरंजन होता है और नाच गाना होता है, उस तरह की फिल्म बनाते होंगे. जब वो आपको अप्रोच करते हैं विद द स्क्रिप्ट और कहते हैं मुझे कुर्बान बनानी है, ये कहानी है, आपका रिएक्शन क्या था? I wasn't that surprised actually. Okay. क्योंकि पहले भी जब मैं परिणीता की शूटिंग कर रहा था उन्होंने कॉल ऑफर की थी. अच्छा. तो तब से मेरे ख्याल से उनके दिमाग में बैठ गया था कि वो कुछ अलग किस्म का सिनेमा में कदम बढ़ाना चाहते हैं. एंड शायद वो खुद अपनी डायरेक्शन में भी कुछ अलग करना चाहते हैं जैसे मैंने मिस खान. तो आई वाज इन दैट सरप्राइज्ड. और ये कहानी उनके पास जैसे मैंने कहा उन्होंने मुझे कुछ टाइम पहले सुनाई थी. तो आई वाज अवेयर दैट करण वांट्स टू मूव इन अ स्लाइटली एजियर डायरेक्शन बिकॉज ही नोज सिनेमा एंड ही नोज इट्स टाइम कुछ अलग करने का. करण ने मुझे भी बहुत पहले बात किया था कि ही वांटेड टू मेक दिस फिल्म with Saif and Shahrukh, I think. And he was like, jo girl ka character hai, it's very strong and I want you in the movie. So obviously, mujhe to pehle se pata tha ke, you know, he wanted to make something of, it was obviously, tabhi Kurban title nahi tha, it was, I don't know what he wanted to call it at first. But he had this edgy thriller as a story. Then of course, jab phone kiya, mujhe bola ke Renzil has been signed on for this. And he was like, आप कहानी सुनो, you hear it, see what you feel, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके करियर में जरूर एक लैंडमार्क होगा. तो when I heard it, I was like, just instantly want to be a part of it. Right. Okay, कितना difficult है एक करण जौहर प्रोडक्शन को रिफ्यूज करना. आपने काल का जिक्र किया, if I'm not mistaken, आपको शायद दोस्ताना भी ऑफर हुई थी. मुझे कुछ कुछ होता है जो ऑफर हुई थी. Okay. But not शाहरुख खान रोल. Okay. एंड दोस्ताना या एक मुश्किल नहीं होता है नहीं तालुकात खराब हो जाते हैं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक वो समझते हैं क्यों. ओके. और
I don't think he would appreciate it agar maine sirf ek film ki, you know, I want an actor on set just because he wants to make you happy. Okay. You know, you want an actor on set who believes in what he's doing. और जब एक्टर को यकीन होता है, बिलीफ होता है फिल्म में, तो वो कमाल कर सकता है सेट पे. सही. एंड इट्स मच बेटर टू हैव समवन हु इज कमिटेड. मैं हमेशा तैयार हूँ करण के साथ काम करने के लिए. यू नो, नेवर गोइंग टू आर्ग्यू अबाउट मनी और डेट्स, बट अबाउट स्टोरी एंड विच वर्ल्ड यू वांट टू बी पार्ट ऑफ. आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स दैट. और मुझे लगता है जब एक आर्टिस्ट, एक्टर, इंसान कंसिस्टेंट होता है तो लोग उसे समझते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर द सेम विद एवरीबॉडी. ऐसे नहीं कि आप सिर्फ उनको पूछते हैं कि यार मेरा रोल क्या है और बाकी यू डू व्हाटएवर यू वांट. तो एक रेपुटेशन भी हो जाती है, लोग जानते हैं लोगों को कि यू नो देयर आर सर्टेन एक्टर्स दैट माइट नॉट डू अ फिल्म इफ दे डोंट रियली लव द स्क्रिप्ट. एंड आई एम प्राउड टू बी आई थिंक वन ऑफ दोस बिकॉज़ आई हैव बीन इन अ सिचुएशन वेयर आई सेड यस इन द पास्ट एंड नॉट बिलीव्ड इन इट एंड डिस्ट्रॉयड माय सेल्फ ऑलमोस्ट. ओके. या सो मेनी फिल्म्स आई हैव डन इन द पास्ट दैट हैव. It's better to really believe in something, no? Right. Films is about conviction. It is. I would say it's a little difficult. I'll be honest, because for me, Karan is like my brother. He's a friend, philosopher, and guide. I, unka opinions, not only just for my professional life, but a lot of my personal decisions I share with him. So, and according to me, I have full faith in Karan Johar Cinema. So, as an artist, I would love to be a part of whether it's any kind of film of Karan Johar, because according to me, he truly is the face of Indian cinema. Look at the kind of films he's making, from My Name Is Khan to Wake Up Sid to Kurban to Dostana. He's covered the whole range. So I mean, I would love to be a part of Karan's film. आपने रेंसल के बारे में कहा कि एक अपनी सोच लेकर आए थे इस फिल्म में, but इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर भी हैं. क्या उन्होंने भी अपनी सोच इस फिल्म में इंटेग्रेट की है, इन्वॉल्व की है? Absolutely. Yeah. I think पहली बार करण ने क्रेडिट लिया है कि story by Karan Johar. Okay. तो ये बहुत बड़ी बात है. उनका कॉम्बिनेशन क्वाइट लीथल है. अच्छा, अच्छी, बहुत अच्छी बात है. दैट्स द पॉइंट, राइट? यू नो, बट अगर कहानी की बात करें तो लोग इसे, कई लोग इसे फना के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कई लोग इसे न्यूयॉर्क के साथ कंपेयर कर रहे हैं. आप क्या कहेंगे? आई मीन, सो मेनी स्टोरीज आर सिमिलर. लव स्टोरीज आर सो सिमिलर. Girl meets boy, something happens, you know, there's a problem with this, and then things get okay. Scripts have certain structures. Yes, these films have terrorist backgrounds, but the treatment of the films is what makes it. Yes. And I think the treatment of Kurban is unique. New York ki duniya ekdam alag hai. Right. Fana ki duniya aur characters ekdam alag hai. Aur jab aap Kurban dekhenge, tum mujhe nahi lagta ki aapko you will be reminded of these other films. It has its own, or maybe you might be in one or two places, but that's okay. I mean, it's still its own world, and I think a very real, very different kind of story in than the other films, which are a little more glossy, and a little more, you know, they're here and there, right? Like they might be terrorists, but they're singing songs, and they're, you know, they're having a good time, they're drinking tequila, and they're wearing like bright T-shirts, and they're partying it up, Hindi film style. Right. This from the beginning is like, listen, if this guy's going to be like this, then he's like this. And he's not going to be like that. I'm saying a lot of this and that, but you know what I mean. Yes. It's a realistic film, and a slightly more mature and a serious movie, because the subject matter is mature and serious. I mean, we're talking about global terrorism. We're talking about suicide bombers. We're talking about death, carnage, love in the middle of all that. And suddenly you can't show a party sequence. I mean, you can show a party sequence, but you can't show a guy who's willing to give his life for something. See the film, singing a song. Realize karenge ki the atmosphere that Renzil has created and the DOP Hemant Chaturvedi has created, it's so real, and those characters become so believable.